नमस्कार, मैं हूं कपिल सोनी और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है जन सरोकार की, जनता के उन मुद्दों की जिनसे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सके। वर्तमान स्थिति में किस बदलाव से उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है, इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ कुछ युवा है, बुद्धिजीवी लोग हैं। आज इन्हीं से पूछेंगे। क्या नाम है आपका? करण यादव। यादव जी, जिस प्रकार की राजनीति है जाति धर्म को लेकर हो रही है, कितने संतुष्ट है और कितना परिवर्तन होना चाहिए इसमें? भैया, मैं जाति धर्म की राजनीति से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। जो हमारे इधर राजनीति होनी चाहिए वो रोजगार पर होनी चाहिए, स्वास्थ्य पर होनी चाहिए, शिक्षा पर होनी चाहिए और महंगाई पर बात होनी चाहिए। महंगाई अति से ज़्यादा हो रही है और वो सब देख रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसा भी हो सकता है कईयों को ना लग रही हो भाई। जैसे आप कहते हैं सिलेंडर 920 रुपये का हो रहा है, आप किसी बीजेपी समर्थक से अगर आप बात करेंगे कि क्यों कहेगा नहीं, हम तो 2000 का भी खरीद लेंगे। अरे यार, जो मजदूर है, जो दिन के कमाता 300 रुपये है, 200 रुपये, वो 2000 का सिलेंडर कैसे खरीद लेगा? अब हमें मार्केटिंग के बंदे हैं, 100 रुपये का पेट्रोल हो रहा है यार, हमें बता रहे डीए तो 150 रुपये मिलता है, 150 रुपये हम तेल डलवा लेते हैं, हम खाएंगे कहाँ से? महंगाई पर भी बात करनी चाहिए और रोजगार पर बात करनी। सबसे पहले इन्होंने बोला हम 70 लाख रोजगार देंगे और रोजगार कितने मिले? खुद योगी जी बोलते हैं कि हमने 4 लाख रोजगार दिए, तो 66 लाख कौन देगा? वो भी तो आप ही देंगे। अब आप कह रहे हो हमने 24 करोड़ वैक्सीन के टीके लगाए, यार वो तो तुम लगाओ गई, सबसे ज़्यादा पब्लिक तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। आप कहते हैं हमने लगाए, यार कांग्रेस ने क्या नहीं करा था? कांग्रेस ने तो तुम्हारे इधर निशान पड़ रहा है, वो कांग्रेस की दे रहे, उसने पैसे मांगे क्या कभी तुमसे? क्या उन्होंने कभी सर्टिफिकेट दिया इसमें योगी या मोदी की फोटो? कभी नहीं दिया। लेकिन हाँ, इनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम, कल परसों आप उन्होंने देखा अमित शाह जी को, इतनी बड़ी बड़ी सिटी उत्तर प्रदेश, लेकिन पहुंचे कहाँ? कैराना पलायन का मुद्दा लेके। जब दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर के अंदर, उसमें मुसलमानों को भी कई गाँव के गाँव खाली हो गए, वो पलायन नहीं था। अगर हिंदू ही जा रहा सिर्फ वही पलायन होता है क्या? यार आम आदमी है, खुशी से रहना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं करना चाहता बस। अच्छा, आपको क्या परिवर्तन ऐसा लगता है कि अब जो भविष्य में जिस तरीके चल रहा है जात बिरादरी को लेकर, या कुछ ऐसा कौन सा बड़ा परिवर्तन है जो आपको लगता है कि हाँ होना चाहिए और सरकार तक वो आवाज़ पहुंचे? सरकार तक आवाज़ ये पहुंचनी चाहिए, सबसे पहली बात, सबसे पहले रोजगार पे और मुद्दों पे बात होनी चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म हो जानी चाहिए। जो अच्छा है उसे अच्छा को, हमारे कहना भाई बीजेपी ने अच्छे काम करे कहना चाहिए, हाँ अच्छे काम है, लेकिन जो बुरे करे हैं उसे भी बताना चाहिए। ये नहीं कि आप अंधभक्ति तरह आंख बंद है, नहीं, जो भी कर रहे हैं, आएगा तो योगी ही आएगा, ही मोदी, यार बुरे काम भी तो बताओ कुछ, ऐसा तो है नहीं। यार सिक्के का हेड भी होता है, टेल भी होता है, उस पर भी तो बात करो। और भी लोग हैं हमारे साथ, इन्हीं से बात कर लेंगे। भाई साहब, क्या नाम है परिवर्तन लगता है पिछले 5 साल में आपको? परिवर्तन तो बहुत नजर आ रहा है साहब, ऐसे बीजेपी की सरकार में काफी परिवर्तन आया, जाल सड़कों का जाल बिछ गया, और जो है भ्रष्टाचार नहीं है बिल्कुल भी, एकदम मुक्त है, गुंडागर्दी नहीं है, 5 सालों में कहीं भी कोई लड़ाई दंगा नहीं दिखाई दिया योगी राज में जो है। कौन सा ऐसी चीज आपको लगती है कि ये चीज सरकार ने वादा किया था लेकिन नहीं हो पाई? नहीं, वादे तो सभी अब धीरे धीरे, एक साथ तो नहीं, 2 साल से तो ये कोरोना पीरियड ही जो है गवर्नमेंट को कुछ करने नहीं दे रहा। जब काम करने का मौका आता है जब जो है वो अपना जो है कोरोना आ जाता है, तो ये है सरकार के काम से लगभग संतुष्ट? संतुष्ट है जी। मेरा नाम आयुष जैन। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है आपको पिछले 5 साल में? सर परिवर्तन तो बहुत है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जैसे आज हम तुमसे सवाल पूछ पा रहे हैं, कि पिछले 5 साल से पहले पूछ पाते थे कभी? कितना मीडिया को भय और डर हुआ करता था, ये हमसे ज्यादा परिवर्तन तो आप खुद भी देख सकते हैं ना। जब आप लोगों के साथ परिवर्तन है तो आम जनता को तो कितना ही सुकून होगा, आप खुद देखिए। ये तो आप भी जानते हैं ना गुंडाराज कितना कम हुआ है। जब आप ये मानते हैं गुंडाराज कम? अच्छा, इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि ये चीज होनी चाहिए थी, सरकार ने वादा किया था? हम ये जानते हैं कि देखिए कमियां और अच्छाइयां सब जगह होती हैं, कुछ काम करने के लिए समय देना चाहिए हर किसी को। आप चाहते हैं 5 साल में कोई पहाड़ टूट जाए तो नहीं होता, जितनी कमियां उन्हें दूर करने में समय दीजिए। आपका नाम क्या है? मितुल। क्या लगता है आपको कितना परिवर्तन हुआ पिछले 5 साल? अच्छा अच्छा काम हुआ है, मेरठ के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमारा एक्सप्रेस वे आ गया है और फिर उसके बाद ये सब जो अवैध कटान सब बंद हुआ है, तो ये सब अच्छे अच्छे संकेत है। सरकार तक कोई मैसेज देना चाहेंगे तो क्या होगा? वो बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम करते रहे। सरकार की नीति बढ़िया है, सरकार की नीति सबका साथ सबका विकास बहुत अच्छा है। वो कोई जातिवाद से ऊपर चल के अब काम करते हैं। योगी जी के नाम के पहले कितना भय बनाया जाता था, पर उन्होंने दिखाया कि जातिवाद से ऊपर भी उठ के काम होता है और करके दिखाया भी है। अब विपक्ष कुछ भी बोले उन्हें पता है उनकी कमियां कहां है, सरकार अपना काम अच्छे से करती है। आपको ये नहीं लगता कि सरकार ने कई वादे भी किए थे, लगातार महंगाई बढ़ी है? या महंगाई एक जिला स्तर पे नहीं है, महंगाई पूरी दुनिया में है। आप खाली इंडेक्स देखते हैं, आप लोकल लेवल देखते हैं, इन्फ्लेशन देखिए तो ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लेशन नहीं है क्या? जब कॉमोडिटीज महंगी होंगी तो सर महंगाई अपने आप बढ़ेगी। लोग बाग कहते हैं महंगाई बढ़ी है तो लोगों की इनकम नहीं बढ़ी क्या?
जहाँ पे एक व्यक्ति नॉर्मली 5,000 रुपए कमाता था, वो 8,000 रुपए कमा रहा है, तो उसका खर्चा अगर 100 रुपए से बढ़ के 150 रुपए हो गया तो क्या दिक्कत है, कमाई भी तो बड़ी। चलिए और भी लोग हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? राकेश कुमार। आप इसे छोड़ दीजिए जी। कितना परिवर्तन मानते हैं पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश? बहुत ज्यादा परिवर्तन है, बहुत ज्यादा परिवर्तन है। ये जैसे कि भाई गरीब को क्या चाहिए भैया, राशन वगैरह, बिजली चाहिए, शिक्षा चाहिए, सब कुछ हो रहा। 1.5 वर्ष हो गया योगी सरकार को राशन फ्री देते हुए, गरीब तबका तो खा रहा उसे सब। क्या ये अखिलेश जी बात करते हैं बिजली के, बिजली कनेक्शन फ्री दूंगा, क्या देंगे? बिजली तो आती नहीं थी बिजली। आपको ऐसा लगता है कि जो परिवर्तन आया वो योगी सरकार के कार्यकाल में आया? कार्यकाल में आया बिल्कुल। और बहन बेटियां भी सुरक्षित हैं। और मिनट की बात करते हैं, मिनट में बच्चों को घर से भेजने से पहले उनके पीछे पीछे चलना पड़ता था, इतना जो है यहाँ आवारा तत्व के बच्चे थे। काफी परिवर्तन है और मैं समझता हूँ शायद ईश्वर आने वाले टाइम में भी मौका। क्या नाम है आपका? विपिन। विपिन, विपिन जी क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कितना परिवर्तन देख रहे हैं पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में? पूरा परिवर्तन है, भ्रष्टाचार पूरा खत्म हुआ है, गुंडागर्दी पूरी खत्म हुई है, और भाजपा बहुत बढ़िया काम कर रही है, और योगी जी ने जो गलत काम कर रहे थे सब पे लगाम कसी है। रोड बहुत अच्छी हुई है, जो रोड खराब थी वो आजकल सारे हाईवे वगैरह सब मतलब परफेक्ट बनाए हैं, और जो रिश्वत लेने वाला काम था उस पर भी काफी हद तक लगाम लगी है, रोकथाम बहुत मतलब बहुत लगी। आपको ऐसा लगता है कि परिवर्तन पिछले 5 साल में आया है? बहुत ज्यादा आया है, मतलब बहुत ज्यादा है। गुंडागर्दी पूरी खत्म हो गया, जो 6-7 बजे के बाद नहीं निकलते थे लोग, आ गया बदमाश थे या रंगदारी मांग रहे थे या कुछ भी मांग रहे थे, उस पर बहुत मतलब कुछ हद तक लगाम लगाई है भाजपा ने। ऐसा नहीं है जो सोतीगंज में कटान चल रहा था उस बिल्कुल खत्म ही कर दिया है। जो भाजपा ऐसा है, भाजपा जो 2 नंबर का काम कर रही है उन्हें वो परेशान है भाजपा से, बाकी जो 1 नंबर का काम कर रहे हैं बहुत खुश हैं, बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जैसे लगातार तेल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, अब 20-30 साल पहले का देखो या अब का देखो तो अब जब आदमी को फैसिलिटी चाहिए, मान लें हमें रोड परफेक्ट चाहिए, टोल टैक्स ना देना पड़े, ऐसा कैसा होगा? पहले 200 रुपये में 1 GB फोन नेट ही नेट आता था, अब 200-250 रुपये में अनलिमिटेड कॉल, मतलब जैसे अब एक चीज़ बताओ, आप अमेरिका से कंपेयर करते हो इंडिया को, तो वहाँ पे तो टैक्स ही बहुत ज़्यादा है, तो हर चीज़ मतलब आपको फैसिलिटी भी चाहिए और पैसा ना जाए जेब से, तो उसमें तो ऐसा नहीं हो सकता ना। बहुत बढ़िया काम कर रही है और योगी जी आएंगे 2022 में, कुछ सीटें कम होंगी। हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी लोग जिनसे हमने जाना कि प्रकृति का नियम है बदलाव, जो राजनीति में भी होना चाहिए, लोगों को वह चीज़ें जरूर मिलनी चाहिए जो सरकार ने वादा किया। हालांकि लोगों का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में योगी राज में जो है वो कायाकल्प हुआ है, परिवर्तन आया है, लोग भयमुक्त माहौल में जी रहे हैं और बेटियां सुरक्षित हैं। मेरठ से कपिल सोनी की रिपोर्ट।